पेरेंट्स, आज मैं आपके सामने क्लास फर्स्ट की इंग्लिश ग्रामर वर्कशीट लेकर आई हूँ, जिसमें कि क्लास फर्स्ट का सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक्स स्टेप बाय स्टेप मैंने इसमें तैयार किए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, सर्कल द कंसोनेंट्स फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। बच्चों को कॉन्सोनेंट्स सिखाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं जिसमें से बच्चों को क्या फाइंड आउट करना है, कॉन्सोनेंट। जैसे कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, जो वॉवल से अदर लेटर्स होते हैं, जैसे पी आर के। नेक्स्ट फार्म, एफ आर एम। एल। पेन में पी एन। तो इस तरीके से आप बच्चों को कॉन्सोनेंट की प्रैक्टिस करा सकते हैं। उसके बाद आता है सर्कल द वॉवल्स फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। तो जैसे मैंने यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स फाइंड आउट किए हैं, अब यहाँ पे बच्चों को क्या करना है, वॉवल्स करने हैं। वॉवल्स ए ई आई ओ यू होते हैं, तो वॉवल्स में हम सर्च करेंगे, जैसे ओ ओ रोबोट में डबल ओ आ रहा है, बियर ई ए, गार्डन ए ई, टेम्पल ई ई, डक यू, फ्रॉग ओ। तो इस तरीके से आप बच्चों को वॉवल्स और कंसोनेंट्स की प्रैक्टिस करा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन। तो नाउन में सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पहले सेंटेंस को रीड करना है। द गंगा इज अ होली रिवर। तो गंगा, द गंगा, तो अंडरलाइन करने के लिए बोला है तो अंडरलाइन करेंगे। आगरा इज अ हिस्टोरिकल सिटी। तो आगरा क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। चाइना इज अ बिग कंट्री। तो चाइना क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। राम स्टडीज इन अक्षर अकेडमी। राम क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। अक्षर अकेडमी भी प्रॉपर नाउन। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। न्यू दिल्ली इज द प्रॉपर नाउन एंड इंडिया इज ऑल्सो प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट टॉपिक आता है, चूज एंड राइट ईच वर्ड अंडर द करेक्ट हेडिंग। यहाँ पे मैंने कुछ हेडिंग्स लिखी हैं, पीपल, एनिमल्स, प्लेसेस, थिंग्स। तो बच्चों को क्या करना है, ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं इनमें से सर्च करके, चूज करके कि कौन सा पीपल है, एनिमल है, प्लेसेस है और थिंग है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें लिखना होगा। जैसे पार्क, पार्क क्या है, प्लेस, डॉक्टर, पीपल, राम, पीपल, वेल, एनिमल, पेंसिल, थिंग, बुक, थिंग, आर्टिस्ट, पीपल, फार्मर, पीपल, स्कूल, प्लेस, स्टेडियम, प्लेस, फार्म इज ऑल्सो प्लेस, देन टेबल, थिंग, पेन, थिंग, लॉयन, एनिमल, टाइगर एंड डियर। तो इस तरीके से आप बच्चों को कुछ वर्ड्स देकर पीपल, एनिमल, प्लेसेस और थिंग्स की प्रैक्टिस करा सकते हैं। राइट द जेंडर। तो यहाँ पे मैंने कुछ मैस्कुलिन्स में भी लिखे हैं, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इनका अपोजिट जेंडर लिखना है। जैसे सर, मैडम, अंकल, आंट, बॉय, गर्ल, एक्टर, एक्ट्रेस, पोएट, पोएटेस।
तो बच्चों को इस तरीके से आप जेंडर करा सकते हैं। नेक्स्ट आता है कंप्लीट द फॉलोइंग पेयर्स, तो ये भी जेंडर से ही रिलेटेड है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है सन, सन एंड क्या हो जाएगा डॉटर, टाइगर एंड टाइग्रेस, हीरो एंड हीरोइन, एंड मेयर डैश एंड मेयर, मेयर किसका होता है हॉर्स का, हस्बैंड एंड वाइफ। इस तरीके से बच्चों को पेयर करके भी आप जेंडर सिखा सकते हैं। नेक्स्ट आता है फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एंड द आर्टिकल्स। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, ए एंड द सर्च करके यहाँ पे फिल करना होगा। तो डैश बर्ड इज फ्लाइंग, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा ए, डैश ताजमहल इज डैश वंडरफुल बिल्डिंग, ताजमहल, ताजमहल के लिए हम क्या लगाएंगे द, द ताजमहल इज अ वंडरफुल बिल्डिंग। नेक्स्ट डैश किंग इज अ ग्रेट पर्सन, किंग के लिए हम क्या लगाएंगे द, आई हैव डैश अम्ब्रेला, आई हैव एन अम्ब्रेला, आई एम अ गर्ल। इस तरीके से आप ए एंड द की प्रैक्टिस करा सकते हैं। नेक्स्ट आता है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रोनाउन। नेक्स्ट आता है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रोनाउन। यहाँ पे साइड में मैंने प्रोनाउन्स लिख दिए हैं, बच्चों को क्या करना है इसमें से सर्च करके फिल करना है। फर्स्ट है डैश राइट से लेटर, क्या आना चाहिए ही या दे, तो राइट्स है, तो ये जो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है हमारी किसके साथ लगेगी सिंगुलर के साथ यानी ही के साथ। डैश विल गो टू स्कूल, क्या आएगा पर्सन और थिंग, ये थिंग के लिए यूज होता है तो इट तो हम लगाएंगे नहीं, तो यहाँ पर आएगा दे, दे विल गो टू स्कूल। डैश इज स्टडिंग, क्या आना चाहिए इसके साथ हम क्या लगाएंगे शी। नेक्स्ट डैश सिंग्स ए सॉन्ग, तो ये भी हमारा क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हम क्या लगाएंगे शी, शी सिंग्स ए सॉन्ग। डैश आंसर मी, तो आई आंसर मी तो होगा नहीं, हम क्या लगाएंगे इस पे यू। नेक्स्ट आता है राइट द अपोजिट वर्ड्स, हॉट का क्या हो जाएगा कोल्ड, ब्लैक व्हाइट, डे नाइट, टॉल शॉर्ट, थिक थिन, स्मॉल बिग, गुड बैड, रिच पुअर। तो बच्चों को आप इस तरीके से अपोजिट वर्ड भी सिखा सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशंस। यहाँ पे हमें प्रीपोजिशंस फिल करने हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले आता है आई एम फॉन्ड डैश मैंगोज, क्या आना चाहिए आई एम फॉन्ड ऑफ मैंगोज, द चेयर इज नियर द टेबल, द सन शाइन्स डैश द डे, द सन शाइन्स इन द डे, शी विल कम डैश संडे, क्या आना चाहिए ऑन, शी विल कम ऑन संडे, देयर आर 50 स्टूडेंट्स डैश द क्लासरूम, इन द क्लासरूम। नेक्स्ट आता है ही गोज डैश स्कूल, ही गोज टू स्कूल। सो पेरेंट्स, जिस तरीके से मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप वर्कशीट पे बताया है कि किस तरीके से आपको कराना है, इस तरीके से ही आप बच्चों को घर में प्रैक्टिस कराइए। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।